क्या व्यवस्था है? गया जिला में विगत 10 वर्षों से होमगार्ड की जो सिपाही होते हैं उनकी बहाली नहीं हो पाई थी, तो काफी दिनों से बच्चों लोग का डिमांड भी था यहाँ पर, और जैसा कि जान रहे हैं कि अभी खाली सीट को भरा जा रहा है पे, और सिपाहियों की जरूरी भी है, उसको देख करके हम लोग ने आज से शुरू किया है यहाँ पे। फिजिकल बेसिस पर ही इन लोग का सिलेक्शन होता है, तो सर्वप्रथम इन लोग को दौड़ होगा 6 मिनट में, इनको 4 चक्कर इसका पूरा करना है, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, और मेडिकल जांच के बाद तो फाइनल सिलेक्शन। 629 सीट की बात। कितने दिनों तक ये प्रक्रिया? 18 दिन तक चला। पर डे कितने? पर डे हम लोगों ने 1000-1200 का टारगेट रखा है, फ्रंट वाइज कोशिश की है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, जिन अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर अलॉट कर, ये फिर फाइनल कमिटी है, कमिटी से मतलब तुरंत ही मिल जाए, तो वो कमिटी जिला स्तर है। हाँ, जिला स्तर। आज यहाँ जो पावर के लिए लगाया गया था उसमें क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? उसमें हम लोग ने एम्बुलेंस है, हमारा लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस भी है, और डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर पूरा, और काउंटर आप पीछे देख रहे होंगे, डिफरेंट काउंटर बना हुआ है, डॉक्टर साहब वहाँ पर राउंड द क्लॉक रहेंगे, महिला डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, और किसी तरह की अगर कोई घटना घटती है तो तुरंत उनको सुविधा उपलब्ध है। इस तरह से 12 वर्षों के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र जो है उनके पुत्र की उम्र भी अब इस तरह की बहाली के योग्य हो गई है, तो अब उनके पुत्र भी अब इस तरह की बहाली के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार।